प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस के वर्मा अपने यूट्यूब चैनल के नवीनतम एवं 155वें वीडियो तथा राजस्थान श्रृंखला के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। माउंट आबू हिल स्टेशन के भ्रमण के क्रम में मैं आज आपको शक्ति माता के 52 शक्ति पीठों में से एक के पास ले चलूँगा, जिसे अर्बुदा देवी का मंदिर कहा जाता है। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी को दबाइए। मेरा यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मित्रों, श्री अर्बुदा देवी जी आबू पर्वत की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूज्य हैं। इस मंदिर का उल्लेख वेद व्यास जी रचित स्कंद महापुराण के प्रभास खंड में है। यह मंदिर लगभग 5500 वर्ष पुराना है, जिसमें विशाल प्राकृतिक गुफा में माता जी का स्थान है। अर्बुदा देवी जी का दूसरा नाम अधर देवी भी है। अधर का अर्थ होठ होता है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के पति भोलेनाथ शिव का अपने पिता के द्वारा हुए अपमान को सहन नहीं कर पाने के कारण यज्ञ के अग्नि कुंड में कूदकर सती ने अपनी जान दे दी। क्रोधित शिव सती के जले शरीर को अपने कंधे पर डालकर ब्रह्मांड में प्रलय करने लगे। ब्रह्मांड को बचाने के लिए श्री विष्णु भगवान ने सती को 52 टुकड़ों में अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला और ये शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर 52 जगहों पर गिरे। जहाँ माता सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वह शक्ति पीठ कहलाया। अर्बुद पर्वत अर्थात माउंट आबू पर्वत पर माता सती के अधर यानी ओठ गिरे। इस प्रकार इस शक्ति पीठ को अर्बुद देवी अर्थात अधर देवी भी कहते हैं। अंदर छायांकन निषेध था। श्री अर्बुदा देवी के मंदिर में जाते हुए श्रद्धालु गण, चूंकि फोटोग्राफी निषेध था इसलिए मंदिर का फोटो नहीं ले पाया। मेरी नतनी रियांशी स्थानीय पारंपरिक परिधान में। मित्रों, आज की यात्रा मैं यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे ही किसी ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल पर ले चलूँगा। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।